नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में बिटकॉइन में निवेश कर भारी मुनाफा कमाने का लालच एक शख्स को भारी पड़ गया। उसने 3 दिनों में 40 लाख रुपए गंवाए हैं। घटना दिल्ली के द्वारका इलाके की है। यहां सोशल मीडिया पर एक शख्स को पार्ट टाइम जॉब का ऑफर मिला, उसके बाद उसे जालसाजों ने बिटकॉइन में निवेश कर भारी मुनाफा कमाने के जाल में फंसाया और 3 दिनों में उसके 40 लाख रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने इस सिलसिले में बीते मंगलवार को ही FIR दर्ज की है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। रिपोर्ट के अनुसार जिस शख्स ने अपने रुपए गंवाए हैं, उसने बताया है कि सोशल मीडिया पर उसे सबसे पहले पार्ट टाइम जॉब का ऑफर मिला था। उसे सोशल मीडिया पर एक संदेश मिला जिसमें उससे पूछा गया कि क्या वह पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखता है। उसमें अच्छी इनकम की बात की गई थी, जिसके बाद शख्स ने हामी भर दी। शुरू में उसे यूट्यूब वीडियो भेजे गए और उन्हें पसंद करने, उनके स्क्रीनशॉट लेने और उन्हें उसी टेलीग्राम नंबर पर भेजने के लिए कहा गया। उसने ऐसा ही किया, जिसके एवज में उसके अकाउंट में मामूली राशि भी रिकॉर्ड के तौर पर आई। इसके बाद उसे लगने लगा कि इस काम में फायदा हो रहा है। बता दें कि शख्स ने आगे बताया कि कुछ ही दिनों बाद उन्हें VIP जाली टास्क ग्रुप में जोड़ लिया गया। यहां पहले 1,000 रुपए जमा करने को कहा गया। ऐसा करने के बाद उसे एक लिंक भेजकर उसमें बिटकॉइन में निवेश करने को कहा गया। इसमें कई गुना मुनाफे की बात की गई थी, जिसमें वह फंसता चला गया। 3 दिनों में उसने 63 ट्रांजैक्शन किए और हर ट्रांजैक्शन में उसके बिटकॉइन अकाउंट में रिवॉर्ड राशि बढ़ रही थी, जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि वह जीत रहा है। उसने कहा कि निर्देशों का पालन करते हुए मैंने एक दिन में 7,05,000 रुपए से अधिक का लेन देन किया, लेकिन गेम में अपना सारा पैसा खो दिया। रिफंड के लिए समाधान मांगने पर घोटालेबाजों ने मुझसे 20 लाख रुपए और जमा करने के लिए कहा, जिसके लिए मैंने लोन भी लिया और जमा किया। इसके बाद वे और अधिक पैसे मांगने लगे और भरोसा दिलाया कि और कुछ रुपए दे देने पर रिफंड हो जाएगा। वहीं व्यक्ति ने बताया कि अपना डिडक्टेड अमाउंट वापस लेने के लिए 24 से 26 अगस्त के बीच और पैसा निवेश करता रहा, लेकिन उसका रिफंड आवेदन बार बार खारिज कर दिया गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। तब तक वह 40 लाख रुपए गंवा चुका था। अब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। उसके अकाउंट से हुए लेन देन और रुपए कहां कहां ट्रांसफर किए गए हैं, इसकी जाँच में पुलिस की टीम जुट गई है।